हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडियन क्रिप्टो बिल से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, उसी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कल आपने एक न्यूज़ देखी थी जो एक बड़े मीडिया सोर्स NDTV के द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी थी कि इंडिया में क्रिप्टो बैन नहीं होने वाला है, मतलब नो क्रिप्टो बैन इन इंडिया। सेबी विल रिपोर्टेडली टू बी पूल्ड इन टू रेगुलेट द सेक्टर। और अभी एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पर जितने भी इंडिया के एक्सचेंजेस है वो सेबी को रिपोर्ट करेंगे दोस्तों, मतलब सेबी के अंतर्गत जितने भी एक्सचेंजेस है उन पर ट्रेडिंग होते हुए दिखाई देगी। द इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट लुकिंग टू बैन क्रिप्टो करेंसीज बट टू रेगुलेट देम एज अ एसेट। जहां पर ये खबर निकल कर आई थी कि इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी है उसको एसेट क्लास के रूप में रेगुलेट किया जाएगा, लेकिन यहां पर एक और बड़ी खबर जो थर्ड पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं, ऑल इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज विल रिपोर्टेडली कम अंडर द परव्यू ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। जहां पर जितने भी इंडिया के क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो सेबी को रिपोर्ट करेंगे और उसके अंतर्गत यहां पर ट्रेडिंग होगी। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो थोड़ा सा यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। सिटीजंस विल नो लॉन्गर बी अलाउड टू होल्ड देयर क्रिप्टो एसेट्स ऑन फॉरेन एक्सचेंजेस और इन प्राइवेट वॉलेट्स अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट नोट सीन बाय NDTV। यहां पर NDTV के थ्रू ये स्टेटमेंट आया हुआ है कि जो कैबिनेट नोट आने वाला है उसमें यहां पर ऐसा हो सकता है कि जितने भी यहां पर फॉरेन एक्सचेंजेस है जिन पर आपके क्रिप्टो एसेट्स पड़े हुए हैं या फिर प्राइवेट वॉलेट्स में है, उनको यहां पर आपको चेंज करना पड़ेगा, मतलब उनको आप इंडियन एक्सचेंजेस पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब आप अपने क्रिप्टो होल्डिंग्स को फॉरेन एक्सचेंजेस पर नहीं रख सकते हैं, ना ही प्राइवेट वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। तो एक प्रकार से कहें तो ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है वर्ल्ड वाइड जो क्रिप्टो का मार्केट ग्रोथ कर रहा है उस पर, क्योंकि अगर हम देखें दोस्तों तो इस हिसाब से आपको सिर्फ यहां पर इंडियन एक्सचेंजेस को ही यूज करना पड़ेगा। आपका जो भी क्रिप्टो एसेट्स है वो सिर्फ आप इंडियन एक्सचेंजेस पर रख सकते हैं, ना तो आप उसको प्राइवेट वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहां पर ये खबरें दोस्तों निकल कर आई है, और अभी अगर हम देखें तो अगर ऐसा होता है तो ये एक तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि फिर आप यहां पर बहुत सारे ऐसे टोकन्स को मिस कर देंगे जो इंडियन एक्सचेंजेस पर अभी अवेलेबल नहीं है। मतलब वर्ल्ड वाइड वो अवेलेबल होंगे, बाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म पर वो अवेलेबल होंगे, लेकिन आप उसे वहां से बाय नहीं कर सकते, आपको सिर्फ यहां पर इंडियन एक्सचेंजेस पर जो टोकन्स अवेलेबल है उनको ही बाय करना पड़ेगा। और दोस्तों, जब ये बिल पेश होगा और उसमें अगर ये स्टेटमेंट देखने को मिलता है जो यहां पर बताया जा रहा है, तो आपको थोड़ा समय भी दिया जाएगा ताकि आप अपने जितने भी यहां पर होल्डिंग से उनको ट्रांसफर कर सके इंडियन एक्सचेंजेस पर, मतलब कुछ समय वहां पर दिया जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते और आप फिर भी वहीं पर अपनी होल्डिंग्स को रखते हैं किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर या फिर प्राइवेट वॉलेट में, तो आपको यहां पर पेनल्टीज भी देना पड़ सकती है, और वो पेनल्टीज आप देख सकते हैं लगभग 5 करोड़ से लगाकर 20 करोड़ के बीच में हो सकती है, और उसके साथ ही आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। एक तरीके से कहें तो यहां पर ये जो पॉइंट है ये काफी ज्यादा नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि यहां पर ये इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि वो फिर अपनी मनमानियां चलाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन क्रिप्टो यूजर्स की, तो ये उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा दोस्तों, क्योंकि हर कोई यहां पर ट्रेडिंग करना चाहता है अपने हिसाब से। अगर आप देखें तो बाइनेंस पर बहुत सारे टोकन्स पहले अवेलेबल हो जाते हैं। वजरेक्स की अगर हम बात करें तो वजरेक्स पर आप देख रहे होंगे बहुत कम ऐसे टोकन्स जो अवेलेबल है INR के पेयर में, मतलब जब उनका प्राइस वहां पर इतना अच्छा खासा बढ़ जाता है उसके बाद वो यहां पर लिस्ट होते हैं। मतलब अब यहां पर प्राइस बढ़ने की संभावना कम होती है, जब वो हाई प्राइस पर चल जाता है तब वो वजरेक्स या फिर इंडियन एक्सचेंजेस पर लिस्ट होता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग अच्छा खासा पैसा कमाएंगे और हम यहां पर अगर आप देखें तो उससे पीछे रह जाएंगे। तो ये नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो फिर यहां पर आप देखेंगे एक तरीके से कहें तो इंडियन क्रिप्टो यूजर्स के लिए ये नेगेटिव खबर भी होगी। और अगर आप देखें तो कुछ दिनों पहले एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की गई थी जहां पर इंडियन एक्सचेंजेस के CEO भी गए थे, वहां पर बातचीत भी हुई, उससे भी ये लग रहा है दोस्तों कि वहां पर इन्होंने क्या बातचीत की, वहां पर इन्होंने सिर्फ अपने एक्सचेंजेस के लिए बात की थी या फिर रेगुलेशन के लिए बात की थी, वो पॉइंट भी वहां पर उठकर नजर आता है। दोस्तों, इंतजार करेंगे कि जो बिल है उसमें क्या देखने को मिलता है। वैसे अभी अगर आप देखें तो यहां पर NDTV का स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि आप अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स को इंटरनेशनल एक्सचेंजेस और प्राइवेट वॉलेट्स में नहीं रख सकते हैं। दोस्तों, और कोई भी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आती है इंडियन क्रिप्टो बिल या क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी, तो हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।